अरे मेरे भाई फ्रैंकलिन, तुझे कौन मार गया यार? प्लीज उठ जा, कम ऑन यार, ऐसे छोड़ के मत जा प्लीज। अरे यार कोई कुछ करो, मेरा फ्रैंकलिन कुछ बोल नहीं रहा है। फ्रैंकलिन मर गया। अरे बाप रे, फ्रैंकलिन को जिंदा करो, उसके बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। अरे गाइस मेरी बात सुनो, मैंने देखा है हमारे शहर में ना तुम सब बहुत ही पॉपुलर हो। तुम सबको जानते हैं कि अवेंजर्स में टोनी स्टार्क मतलब आयरन मैन है, हल्क है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। अरे तो यार फ्रैंकलिन, तो अभी अभी नया एवेंजर बनाया, तुझे कैसे जानेंगे? अरे भाई मेरे पास एक आइडिया है, मैं ना अपना गोल्डन आयरन मैन का सूट ले आके शहर में जाता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ कि मैं भी एवेंजर हूँ, जिससे कि मैं पॉपुलर बन जाऊँ। हाँ ठीक है फ्रैंकलिन, वहां जाके क्राइम भी क्लियर कर लेना। हाँ बच्चू, और मेरे लिए बर्गर ले आना। हल्क भी बर्गर खाएगा, बर्गर ले आना मुझे भी। अच्छा चल ठीक है फ्रैंकलिन, ध्यान रखिए और जल्दी आइयो। हाँ ठीक है। तो गाइस आज ना मैं लॉस सेंटोस में जा रहा हूँ सारी ऑडियंस को दिखाने की, देखिए मेरे पास एक गोल्डन आयरन मैन का सूट और मैं बनाया हूँ नया नया आयरन मैन, मतलब नया नया अवेंजर। तो दोस्तों आज ना पूरा लॉस सेंटोस जान जाएगा कि मैं भी बहुत फेमस हो जाऊंगा और मैं साथ साथ में इस दुनिया को बचाने में अवेंजर्स की मदद करूंगा। ये कौन है? ये तो बड़ा महंगा सूट लगता है और ताकतवर भी। अगर मैंने इस पे डायरेक्ट हमला करके सूट को छीनने की कोशिश की तो मैं इसको चुरा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मुझसे ताकतवर लगता है। लेकिन मेरा बड़ा भाई रेड रिवेंजर हल्क मेरी मदद करेगा। मैं आज रेड रिवेंजर हल्क से मदद मांगूंगा, वो मेरे लिए गोल्डन आयरन मैन का सूट लाएगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ और रेड रिवेंजर हल्क को दूसरी दुनिया से बुलाता हूँ। मजा ही आ जाएगा। जल्दी जल्दी बुलाता हूँ मेरे भाई रेड रिवेंजर, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे एक गोल्डन आयरन मैन का सूट चाहिए। क्या हो गया छोटे भाई, कैसे बुलाना हुआ? बड़े भाई मुझे मदद चाहिए आपकी। असल में शहर में कोई नया आयरन मैन है जिसके पास गोल्ड का आयरन मैन का सूट है। आप प्लीज उसे जान से मार कर मुझे वो सूट दिला दो। बस इतनी ख्वाहिशत? अरे चल ठीक है, अगर सूट दिला दूंगा तो फिर तो कभी गुस्सा नहीं होगा मुझसे। जी भाई जैसा कहोगे वैसा करूंगा, प्लीज बस उस सूट को मेरे पास ले आओ और जो भी उसके अंदर इंसान हो उसको जान से मार दो। ठीक है अभी जाता हूँ, चल जल्दी जाता हूँ और जाके उस गोल्डन आयरन के सूट को अपने भाई को दे देता हूँ। मेरे पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। हे गाइस देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ, मैं हूँ नया एवेंजर। ओ तो तू एक नया एवेंजर है? अरे बाप रे ये कौन है रेड रिवेंजर? अरे भागो गाइस, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। कहाँ भागेगा, चलिए सूट मुझे दे। नहीं मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन सूट नहीं। अरे गाइस प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, नहीं तो ये मुझे जान से मार देगा। आपका प्यारा फ्रैंकलिन मर जाएगा। तुझे मरना ही होगा, मेरे भाई ने मुझे बोला है। क्या कर, मैं तुझे मार दूंगा और उसको ये गोल्डन सूट दे दूंगा तो वो मुझसे हमेशा के लिए खुश हो जाएगा, मेरी बातें सुनेगा। अब तड़प तड़प के मरता रहे यहीं पर। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से इस गोल्डन आयरन मैन के सूट को ले जाता हूँ और जाकर अपने भाई को दे देता हूँ, वो बहुत ही खुश हो जाएगा। मजा ही आ गया, चलो अब जल्दी जाता हूँ। मेरा भाई खुश हो जाएगा, फ्रैंकलिन मर गया। अरे यार डॉक्टर स्ट्रेंज, ये फ्रैंकलिन आया नहीं, 3 घंटे हो चुके हैं। मुझे क्या पता, एक काम करते हैं, बर्गर की बहुत भूख लग रही है, बर्गर की शॉप पे चलते हैं, क्या पता रास्ते में फ्रैंकलिन मिल जाए। हो सकता है टोनी सर वो अकेला बर्गर खा रहा हो, हमें कुछ नहीं लाए। हाँ हल्क को बर्गर खाना है, अगर फ्रैंकलिन ने बर्गर खाया हल्क के बिना तो हल्क उसको ही बर्गर बना के आ जाएगा। आ जाओ चलो आ जाओ, इस वाली वैन में चलते हैं सारे के सारे, आज मस्त बर्गर खाएंगे, सब पिकनिक करेंगे, फ्रैंकलिन को भी वहीं देख लेंगे, पता नहीं क्या कर रहा होगा। अरे याद आया, वो तो बोल रहा था कि आज लॉस सैंटोस में वो पॉपुलर होने जा रहा है। हाँ टोनी सर, लेकिन कहीं वो मुझसे ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए, हल्क जाएगा और पॉपुलर बन जाएगा। अबे हल्क चुप, वैन में बैठ और चलते हैं जल्दी जल्दी, मैं भी तो देखूं हमारा फ्रैंकलिन कितना पॉपुलर हो गया शहर में। गाइस उसको नया नया भूत चढ़ा है, नया एवेंजर बनाया ना, इसलिए पॉपुलर एवेंजर बनना चाहता है। खैर कोई नहीं, है तो हमारा ही दोस्त। सही कहा फ्रैंकलिन, बहुत ही सही इंसान है वैसे तो टोनी सर। यह बात तो है, हमारा प्यारा फ्रैंकलिन हमेशा सबका साथ और खुश रखने वाला, सबको हमारा प्यारा बच्चा। मेरा बच्चा है मेरा फ्रैंकलिन। हाँ तो जल्दी जल्दी चलते हैं। एक मिनट, ये कौन पड़ा है? एक मिनट, ये गाड़ी रोको जल्दी से, कार तो तू ही चला रहा है। हाँ जल्दी से उतरो डॉक्टर स्ट्रेंज, वो मुझे फ्रैंकलिन की लग रहा है। लेकिन फ्रैंकलिन के पास, एक मिनट, फ्रैंकलिन का गोल्डन आयरन मैन का सूट कहाँ गया? अरे भाई फ्रैंकलिन क्या हो गया तुझे? अरे गाइस ये फ्रैंकलिन बेहोश हो गया, क्या हो गया? एक काम करते हैं जाओ, सबसे पहले इसकी नब्ज चेक करो। ओडिन की कसम, कहीं हमारा फ्रैंकलिन हमें छोड़ के तो नहीं चला गया? अरे ऐसे मत बोलिए यार थोर भाई, हमारा फ्रैंकलिन हमें छोड़ के नहीं जा सकता। सही बोल रहे हो यार। गाइस चुप रहो यार, तुम बकवास मत करो, हमारा फ्रैंकलिन बिल्कुल ठीक है। नहीं कम ऑन, आप फ्रैंकलिन प्लीज उठ
छोड़ जा प्लीज भाई यार, कहीं तेरी बातें सच ना हो जाए। अच्छा एक बात बता टोनी स्टार्क। हाँ बोल। अगर मैं मर गया हूँ तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? अबे पागल है क्या, मैं तो हंसूंगा और तेरे मरने में बोलूंगा बला टल गई। चल बेटा झूठ बोल रहा है, देख लेना उसको से रोएगा। प्लीज भाई यार उठ जा, मुझे रोना यार है सच में, प्लीज कम ऑन यार। गाइस क्या हो गया हमारे फ्रैंकलिन को, कोई तो कुछ करो, हल किसको जिंदा कर देगा? अब कैसे जिंदा करेगा हमारे भाई को? चल फ्रैंकलिन मैं यहाँ से कूद रहा हूँ, फिर बाद में तू कूदियो। अरे भाई मैं मर जाऊंगा। अबे कोई नहीं ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बचा लूंगा, चिंता मत कर। मर गया वैसे भी धरती का बोझ ही कम होगा। तू तो जब देख मुझे मरवाना ही चाहता है भाई। चल ठीक है मैं कूद रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, तेरे पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। चलो गाइस आज तो फ्रैंकलिन के साथ मैं प्रैंक करूंगा। ये गया आगे, मैंने ना उसके पास पैराशूट नहीं दिया है, तो उसको लगेगा पैराशूट है और मैं आराम से पैराशूट से कूद जाऊंगा। मैं कूदता हूँ गाइस, पैराशूट तो वैसे टोनी स्टार्क ने दिया था मुझे, डर लग रहा है वैसे। ये कूदा मैं और एक मिनट गाइस मुझे जल्दी पैराशूट खोलना होगा। अरे बाप रे एक मिनट मेरा पैराशूट नहीं खुल रहा। फ्रैंकलिन तू तो गया। अब भाई मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता, अबे तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे नहीं 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 नहीं, अबे फ्रैंकलिन चिंता मत कर बच जाएगा तू। अरे मुझे तो लगा था गाइस मैं मर जाऊंगा, अबे टोनी स्टार्क ये छोड़ूंगा नहीं। अरे फ्रैंकलिन का उल्लू बना दिया, मजा ही आ गया गाइस। हमारा फ्रैंकलिन अच्छा है, मैं उसको इतनी आसानी थोड़ी मरने दूंगा। प्लीज यार प्लीज उठ जा फ्रैंकलिन, प्लीज गाइस ये हमें छोड़ के चला गया है, मुझे बस इसकी बातें याद आ रही है। अब कुछ नहीं कर सकते हम, क्या करें? हल किसको बचाएगा? अबे कैसे बचाएंगे हम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओडिन की कसम पहले उसको घिस के घर लेके चलते हैं, लेकिन वहां पर वो छोटा सा मासूम बच्चा सिंचैन है, हम उसको क्या जवाब देंगे कि हमने उसके भाई की रक्षा तक नहीं करी? जैसे ही वो अवेंजर बना उसके 3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। अरे बाप रे तुझको क्या लेकर जाए? अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, हमें फ्रैंकलिन को उसके घर पर ही लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने घर से फ्रैंकलिन बहुत प्यार करता था। अरे बाप रे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा भाई फ्रैंकलिन बोल नहीं रहा है, वो अब हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया है। गाइस अगर आप भी फ्रैंकलिन को मिस कर रहे हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखना, हम फ्रैंकलिन को जिंदा करेंगे किसी भी हालत में। काश ऐसा कोई वे हो दोस्तों जिससे हम फ्रैंकलिन को जिंदा कर पाए, हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। मेरे भाई को मारा किसने मुझे तो ये तक नहीं पता, कम ऑन फ्रैंकलिन चल उठ जा मेरे भाई। गाइस मेरा फ्रैंकलिन कितना भारी हो गया है क्योंकि हमें छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं है, तेरा सारा वजन मैं हमेशा के लिए उठा लूंगा, प्लीज बस एक बार मुझसे हेलो हाय कर दे प्लीज। अरे यार कम ऑन, तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सूट्स बनाऊंगा मैं, तुझे अवेंजर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर कर दूंगा, प्लीज यार फ्रैंकलिन उठ जा। अरे बाप रे एक मिनट क्या हो गया मेरे फ्रैंकलिन भैया को, मैंने तो नया बैडमिंटन खरीदवाया था उनसे, देखिए कितना अच्छा है ये। अरे भाई संचन हमारा भाई फ्रैंकलिन हमें छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। ये क्या बोल रहे हैं आप, पागल हो गए हैं क्या? अरे गाइस एक मिनट, मेरे फ्रैंकलिन भैया को क्या हो गया? अरे टोनी भैया मेरे भैया को वापस बुलाओ। नहीं अरे नहीं, इनके बिना मेरा क्या होगा, चौप का क्या होगा? हमारे फ्रैंकलिन भैया को क्या हो गया? भाई मुझे खुद नहीं पता, ये तो शहर में पॉपुलर होने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही हम इसको ढूंढने गए तो ये बस बेहोश नहीं, ये मरी हुई हालत में रोड पे पड़ा था। मैं तुझे कैसे बताऊं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। प्लीज मेरे भैया को ठीक कर दीजिए। मेरा बच्चा फ्रैंकलिन, एक समय इसने मुझसे $5 मांगे थे और मैंने इसको 5 की जगह $50 दे दिए थे। लेकिन वो पैसे तो तूने मुझसे चुराए थे ना डॉक्टर स्ट्रेंज, वही तो दिए थे। लेकिन मैं इससे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने चोरी के पैसे भी इसको दे दिए। ओडिन की कसम, एक बार फ्रैंकलिन ने हमसे हथौड़ा मांगा था, हमने उसके सर पे हथौड़ा मार दिया था, हम उससे बहुत प्यार करते थे फिर भी। अब क्या चल रहा है यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, ए कौन इतनी बड़ी वैन में आया है? एक मिनट, ये तो सबके सामने यार अवेंजर्स किधर क्या कर रहे हो? अरे भाई चुप आ जा, तेरा मालिक फ्रैंकलिन नहीं बचा। क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक मिनट, अरे फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन भाई तुझे क्या हो गया? अरे भैया मर गए, हमारे में छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं हो सकता यार, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं किसकी मजाक उड़ाऊंगा यार। प्लीज यार गाइस प्लीज मेरे फ्रैंकलिन को ठीक कर दो यार। अरे चुप, अब रोने से क्या फायदा, लेकिन रोना तो फिर भी आ रहा है। हमारा फ्रैंकलिन हमें छोड़ गया, प्लीज कोई तो बचाओ हमारे फ्रैंकलिन को। अब तुम लोग ही बचाओ यार हमारे फ्रैंकलिन को, लेकिन इसको मारा किसने ये मुझे अभी तक नहीं पता। तो फ्रैंकलिन भैया को बचाइए ना, किसी भी हालत में उनको बचा लीजिए, और ये भी पता कीजिए किसने मारा है उनको, क्या पता उसके पास कोई तरीका हो। बात तो तुम सही कह रहे हो गाइस, फिलहाल हमने फ्रैंकलिन की ग्रेव को उसी के घर पर खोद दिया है और उसको वहीं पर दफन कर दिया है। हल्क बॉस उसको याद कर।
करेगा। हल्क डेली उसके स्विमिंग पूल में नहाएगा और उसको देखेगा। मैं तो टोनी सर उसकी यादों में चारों तरफ घूमूंगा। अरे गाइस तुम लोग प्लीज यहीं रहो, मुझे जाना होगा क्योंकि अब समय आ गया है अपने भाई फ्रैंकलिन के दुश्मन को पीटने का और उससे पता करने का कि मैं अपने भाई फ्रैंकलिन को जिंदा कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे अपने सूट को पहनना होगा। जॉर्ज मेरा क्लियर मोड वाला रेड एलिमेंटल सूट एक्टिवेट कर दो, मैं अभी के अभी उसको पहनकर पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारूंगा और अपने भाई को ढूंढ कर रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये चला मैं आज कुछ भी हो जाए, मैं अकेला ही अपने भाई के दुश्मन को खत्म कर दूंगा। गाइस मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और अपने भाई को जिंदा करके रहूंगा, ये मेरा आप सभी व्यूअर्स से वादा है। यहाँ पर रिवेंजर क्या कर रहा है? मजा आ गया, बल्ले बल्ले मजा आ गया। एक मिनट, मेरा ट्रैकर गोल्डन सूट के पीछे चल रहा था, इसका मतलब रिवेंजर हल्क तूने मेरे भाई को मारा। अरे कौन से भाई को मारा मैंने, मुझे तो एक गोल्डन हल्क सूट फ्री में मिला है। कौन से फ्री में मिला है, पागल है क्या? ये मेरे भाई फ्रैंकलिन का सूट है। अरे ये तो मेरे बड़े भाई रेड रिवेंजर हल्क ने दिया है। क्या, ये कौन है रेड रिवेंजर हल्क? झूठ मत बोल, सच सच बता, नहीं तो तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। नहीं बताऊंगा क्या कर लेगा। अरे बाप रे तू तो मार रहा है, और क्या तेरी और भी उतारू मैं बेवकूफ। मेरे भाई को खत्म करके तू नाच रहा है, ऊपर से मुझे झूठ बता रहा है कि रेड रिवेंजर ने तुझे एक गिफ्ट किया, तूने मेरे भाई को मारा है। लेकिन एक मिनट, तू तो बहुत कमजोर है, तू मेरे भाई को कैसे पीट सकता है? फ्रैंकलिन तेरी बैंड बजा रहा था। यही तो मैं बोल रहा हूं बेवकूफ। हां तो अब जल्दी बता मुझे, असल में मेरे भाई फ्रैंकलिन के साथ क्या हुआ? असल में कुछ समय पहले मैं एक स्ट्रीट पे खड़ा था, मैंने देखा कि फ्रैंकलिन बहुत ही खुश हो रहा है, सबको अपना सूट दिखा रहा है, मुझे वो सूट बहुत पसंद आया। ओ ऐसा, और उसके बाद मैंने अपने बड़े भाई को दूसरी दुनिया से बुलाया। तेरा कोई बड़ा भाई है? तूने आज तक बताया नहीं। तू क्या मेरा ममेरा भाई है, चचेरा भाई है जो तुझे बताऊं? अच्छा ठीक है ना, आगे बढ़। फिर उसके बाद मेरे भाई से मैंने वादा किया कि अगर वो मुझे गोल्डन सूट ला के देगा और फ्रैंकलिन को जान से मार देगा तो मैं उसको। अच्छा तूने ही मेरे भाई फ्रैंकलिन को मारने का ऑर्डर दिया अपने भाई को? बिल्कुल। अब जल्दी बता रेड रिवेंजर कहाँ है, नहीं तो तुझे इस आग से जला दूंगा। मैं नहीं बताऊंगा चाहे कुछ भी कर ले, मेरा भाई मुझे छोड़ेगा नहीं, वो बहुत ही खतरनाक है। प्लीज मान जा, तू भी खत्म होगा और मैं भी होऊंगा। मुझे मेरे खत्म या जिंदा होने की कोई परवाह नहीं है, तू समझा? मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा, लेकिन तू मुझे बता नहीं रहा है ना, मैं खुद ढूंढ लूंगा उसको, समझा? मैं आयरन मैन हूं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये ले। अरे नहीं प्लीज मुझे माफ कर दे। देखिए गाइस, हमारे फ्रैंकलिन का एक कातिल कितनी बुरी तरह से तड़प तड़प के मरा। अब हम दूसरे कातिल जो कि रेड रिवेंजर है, जिसको मैंने आज तक कभी देखा तक नहीं है, मैं उसके पास जाऊंगा और उसको ढूंढ निकालूंगा। मेरे हिसाब से मुझे इस शहर की सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट चिलियाड पे जाना चाहिए। बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत जल्दी अपने भाई को अपनी तरह ताकतवर बना लूंगा। एक मिनट, ये क्या, ये मुझे क्या दिख रहा है? कोई रेड आयरन मैन है जिसने मेरे भाई को जला जला के मार दिया। ए, कौन है वो जिसने मेरे भाई को खत्म कर दिया? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, हो सकता है ये सिर्फ मेरा धोखा हो, मेरा भाई अभी तो मुझसे खुश हुआ था। मैं उसको खत्म कर दूंगा, मेरे भाई रिवेंजर नहीं। ये क्या हो गया, मेरे भाई रिवेंजर को कौन खत्म कर गया? किसके इतनी हिम्मत? एक मिनट, मुझे लगता है जिसको मैंने खत्म किया था उसी का कोई रिश्तेदार मेरे भाई को खत्म कर गया है, लेकिन उसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, मेरे भाई रिवेंजर को खत्म करके उस दुनिया को मैं भस्म कर दूंगा। अगर मुझे वो कातिल नहीं मिला, मैं अभी के अभी पूरा का पूरा शहर छान मारूंगा। कौन है जिसने मेरे भाई रिवेंजर को मारा? सामने आ, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको खत्म कर दूंगा। अरे गाइस, मैंने चारों तरफ देख लिया उस रेड रिवेंजर को, वो मुझे कहीं नहीं दिखा। लेकिन एक मिनट, मुझे किसी की तो आवाज आ रही है। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। मुझे गाइस किसी की आवाज आ रही है, शायद वो रेड रिवेंजर ही है, क्योंकि मैंने उसके भाई को खत्म किया है, मेरे भाई को भी तो उसने खत्म किया है, मैंने बदला ले लिया उसके भाई को खत्म करके। लेकिन गाइस, बदले की आग कहीं मुझे भस्म ना कर दे, मैं फ्रैंकलिन को बुला नहीं पा रहा हूँ। काश फ्रैंकलिन को जिंदा करने का कोई तरीका होता। आजा, क्या कर रहा है तू? जरूर तू ही होगा जिसने मेरे भाई को मारा है, तू ही मुझे मेरे विजन्स में दिखाता। हाँ मैंने ही तेरे भाई को मारा है और अब मैं तुझे भी मारूंगा। अच्छा बिल्कुल, तुझे मारूंगा। तो गाइस अब समय आ गया इस रेड रिवेंजर को मारने का, जल्दी बता तूने मेरे भाई फ्रैंकलिन को कैसे मारा, उसको जिंदा करने का तरीका है। मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ लेकिन कभी जिंदा नहीं करूंगा। अगर तू मेरे भाई फ्रैंकलिन को जिंदा कर सकता है तो तू अपने भाई रिवेंजर को क्यों नहीं कर सकता?
जाएगा क्योंकि मेरे हाथ से मारा गया हुआ शख्स ही मैं जिंदा कर सकता हूँ। ऐसा अब मुझे समझ में आ रहा है, इसका मतलब गाइस अब मुझे किसी भी हालत में इसको हराना होगा। अगर मैंने इसको हरा कर इसकी सारी शक्तियों को छीन लिया तो मैं अपने भाई फ्रैंकलिन को बचा सकता हूँ क्योंकि इसकी सारी शक्तियाँ मेरे अंदर आ जाएंगी। ये तो नहीं, मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा वेस्ट नहीं है जो तुझ जैसे इंसान को मिल जाए, समझा तू वेस्ट इंसान। मैं कोई वेस्ट इंसान नहीं हूँ, अपने भाई के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी सारी ऑडियंस चाहती है कि मैं तुझे मार दूं और अपने भाई फ्रैंकलिन को बचा लूं। नहीं, तू मुझे खत्म नहीं कर पाएगा। ये ले मैं, अरे बाप रे, मैंने कहा था ना कीड़ा है तू, कीड़ा तू भी मेरे हाथों से मरेगा और तेरे बाकी के दोस्त, ये दुनिया वाले, शहर वाले, तुम सब कमजोर हो। मैंने अपने भाई की वजह से इस धरती को छोड़ रखा था जिससे कि वो यहाँ पर राज करे, लेकिन अब वो नहीं रहा तो तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं है। गाइस मेरी हालत खराब हो रही है, लगता है मैं भी मर रहा हूँ। मेरे भाई फ्रैंकलिन, मैं शायद तुझसे जल्दी मिलूंगा जहां पर तू गया छोड़ गए इस दुनिया को। अरे भाई टोनी स्टार्क, हंस तो मजा ही आ गया रेस करके। अरे चल फ्रैंकलिन, गलती से जीत गया तू। अच्छा टोनी स्टार्क, एक बात बताऊं? हाँ बता। आजकल मुझे कुछ बुरे सपने आ रहे हैं। मुझे कुछ इस तरह के सपने आते हैं कि यार मैं एक साथ से एवेंजर बना और उसके कुछ दिन बाद मेरी डेथ हो गई। अरे नहीं मेरे भाई, मैं तुझे जिंदा कर लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक मिनट गाइस, कुछ भी हो जाए। अरे बाप रे, मेरे पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? मुझे मेरे भाई का विजन आया था, शायद मैं कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गया था। मेरे भाई ने सपने में मुझसे बोला कि वो मरने वाला है, नहीं मैं उसको बचा के रहूंगा। गाइस मैंने रेड रिवेंजर की सारी एनर्जी अपने शरीर के अंदर ले लिया है, अब जल्दी जल्दी जाता हूँ और उन पावर्स का यूज करके अपने भाई फ्रैंकलिन को जिंदा करता हूँ। टोनी भैया आ गए। हाँ मैं आ गया। गाइस मेरी बात सुनो, मैंने अपने भाई फ्रैंकलिन के दो कातिलों को खत्म कर दिया है। इसका मतलब रिवेंजर और रेड रिवेंजर ने हमारे फ्रैंकलिन को मार दिया। तुम चिंता मत करो, मैं रिवेंजर की पावर्स लेकर आया हूँ, मेरा मतलब रेड रिवेंजर की। ये कौन है, उसको छोड़ेगा नहीं हल्क। अरे मैंने उसको पहले ही मार दिया, बस मुझे रेड रिवेंजर की पावर को यूज करना होगा हमारे भाई फ्रैंकलिन की बॉडी में फिर से उसकी सोल डालने के लिए। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि रेड रिवेंजर ने लड़ते लड़ते मुझे बताया था कि वो उसको जिंदा कर सकता है जिसको उसने खत्म किया हो। लेकिन अगर किसी और ने किसी को खत्म किया हो तो वो उसको जिंदा नहीं कर सकता। इसका मतलब हमारे भाई फ्रैंकलिन को रेड रिवेंजर नहीं मारा था, इसलिए यहाँ पर मैं अपनी सारी एनर्जी जो रेड रिवेंजर से ले गया हूँ उसका यूज करके अपने भाई की आत्मा यानी कि सोल को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे एक मिनट का इसे क्या, अरे एक मिनट टोनी स्टार्क, ये कहाँ पर आ गया मैं? ओ माय गॉड, ये तुम सब क्या कर रहे हो? अरे बाप, जिंदा हो गए फ्रैंकलिन भैया। अब फ्रैंकलिन कलवा, तू तो जिंदा हो गया, मजा आ गया, बल्ले बल्ले। अरे बच्चे मजा आ गया। अरे गाइस तुम लोगों को बताऊं, एक सफेद घोड़ा था जिसकी 8 टेल थी, शायद एक टेल पर तुम्हें बैठा था, इसका मतलब टोटल 9 टेल थी। फ्रैंकलिन तो पूंछ पर बैठ कर आ रहा है घोड़े की, लेकिन वहां कर क्या रहा था तू? पता नहीं भाई, कुछ सामने कुछ परियां थी और वो घोड़ा मुझे लेकर जा रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, तू सपना ही देख रहा था। मजा आ गया गाइस, हमने फ्रैंकलिन को बचा लिया, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। हैप्पी एंडिंग हो गई हमारी।